डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर, जैसा कि आपने देखे कि लेक्चर नंबर 85 से लेकर के 97 तक पूरा का पूरा कहीं ना कहीं आईसी इंजन और रेसिप्रोकेटिंग मशीन के ऊपर बेस्ड है। आज यह चूंकि सेकेंड लास्ट लेक्चर है आईसी इंजन के ऊपर, और मैं आपको बता दूं इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ऑटोमोबाइल का जो है प्लेलिस्ट है, उसका डिस्क्रिप्शन हमने लिंक दे रखा है। तो फ्यूचर स्कोप ऑफ आईसी इंजन की बात करें, अर्थात आईसी इंजन रिलेटेड कहाँ कहाँ आप जॉब ले सकते हैं, कैसे आप अपना कैरियर इनबिल्ट कर सकते हैं, क्योंकि आईसी इंजन हर जगह पे यूज होता है। ऑटोमोबाइल का ही ये बेसिक पार्ट है और इसमें बड़ा सुनहरा और जो है सुंदर कैरियर आप बना सकते हैं, अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। और किसको शौक नहीं होता है कि लॉन्ग ड्राइव पे हम जाएं और अच्छी कार लेकर के जाएं। यदि यह शौक आपको पूरी करनी है तो आपको एक अच्छा डिजाइनर, एक अच्छा ऑटोमोबाइल और एक आईसी इंजन का कॉन्सेप्ट लेकर के, आपकी अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करके, आप बहुत ही सुनहरा करियर बना करके इसमें सहयोग कर सकते हैं। कि स्टार्टिंग फ्रॉम देयर विल, इस दुनिया का रिवॉल्यूशन, एक क्रांति जो आई वह क्रांति शुरू हुई कहाँ से? व्हील से। और ये चक्का ही, चक्का अर्थात ये गोल चक्का ही, ये दुनिया गोल है। और ये स्टार्ट हुई साइकिल से मोटरसाइकिल तक, और मोटरसाइकिल के भी आगे बढ़े तो आज दुनिया बहुत आगे पहुंच चुकी है। व्हील से लेकर के इस व्हील का कॉन्सेप्ट ही आपका कार का कॉन्सेप्ट, दैट मीन्स की जो आईसी इंजन है, आईसी इंजन का एप्लीकेशन जो है आपके ऑटोमोटिव सेक्टर में सबसे ज़्यादा होता है, जिसमें कि आपका डिजाइनिंग तो है ही, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग है, ऑपरेशंस हैं, सारी इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज हैं, मैकेनिकल हैं, इसमें सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, सेफ्टी एस्पेक्ट्स हैं इसमें, चाहे वह आपका बस हो, मोटरसाइकिल हो, एरोप्लेन हो, हर जगह पे आईसी इंजन का कॉन्सेप्ट है। यदि आप लेक्चर नंबर 85 से लेकर के अभी तक रेगुलर देख रहे हैं तो काफी सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे, मैं ये पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ। आप आईसी इंजन के कॉन्सेप्ट के आगे हमने आपको बताया कि सिर्फ आईसी इंजन से कैरियर नहीं बना सकते, आईसी इंजन इसके अंदर का एक इंजन का, दैट मीन्स कि आप कहें कि आपका शरीर है और हार्ट मतलब हृदय, हृदय यदि कुछ है तो वह क्या है? आपकी आईसी इंजन है, ठीक है। अब ये ऑटोमोबाइल की यदि हम बात करें, ऑटोमोटिव सेक्टर की बात करें, तो इसकी बहुत बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा मार्केट है जितना आप शायद सोच नहीं सकते हैं, जितना आप सोचेंगे उससे थोड़ा सा ज़्यादा मार्केट, आप सोच लीजिए उससे ज़्यादा मार्केट है। तो इसमें चूंकि आईसी इंजन के काफ़ी सारे जो है रेस्ट्रिक्शंस भी है, जैसे कि पेट्रोल डीजल आए दिन महंगे हो रहे हैं, या जो है 100 साल 50 साल के बाद हो सकता है पेट्रोल डीजल न मिले, तो उसके लिए अब आपको सोलर और भी काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक बसेस और वो सब चीज़ें हैं, वो चैलेंजेस तो हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ किसका? ऑटोमोटिव सेक्टर की। फ्यूल बंद हो जाएगा, पेट्रोल नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ और मिलेगा उसकी जगह पे, और आपको अल्टीमेटली जो है ये कार बंद नहीं हो रही है अगले 100 सालों तक, तो कम से कम कब होगा? जैसे कि आप देखिए कोरोना में पूरा दुनिया लॉक हो गई, हो सकता है एक समय आए जब पूरा दुनिया लॉक हो जाए और ये सब चीज़ें खत्म हो जाए, लेकिन अभी तो कहीं दूर दूर तक संभावना नहीं दिख रही है भविष्य में कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कैरियर बनाने का बहुत अच्छा ऑप्शन है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप इनके कॉन्सेप्ट को समझें, कॉन्सेप्ट, कंपोनेंट, प्रोसेस, वर्किंग एंड मेनी मोर थिंग इज एर्गोनॉमिक्स। आप देख रहे हैं एर्गोनॉमिक्स, इजी टू यूज, इजी टू कंफर्ट, इज टू रन, आप कितना बढ़िया से जो है कंफर्ट वे में, कंफर्ट व्यक्ति खोजता है, कंफर्ट मिलना चाहिए, ठीक है ना। के लिए आदमी पैसे देता है, आप एक कार 3 लाख में भी खरीदते हैं और एक कार आप जो है 30 लाख में भी खरीदते हैं, 3 लाख और 30 लाख और 3 करोड़ में भी कारें मिलती हैं, इन सब के बीच डिफरेंस क्या है?
डिफरेंस है कंफर्ट का, डिफरेंस है स्ट्रेंथ का, डिफरेंस है स्पीड का, डिफरेंस है सिर्फ पैसे का नहीं, बहुत सारे चीजों का। तो अब यदि आपको कैरियर बनाना है तो इंडिया की यदि बात करें तो कुछ मेजर कंपनीज हैं जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करती हैं, ऐसे हजारों कंपनीज हैं, लेकिन कुछ बड़े कंपनीज के नाम हमने आपको यहाँ दिए हैं। इसमें हजारों नहीं, लाखों इम्प्लॉय काम करते हैं, लाखों इंजीनियर्स काम करते हैं और दिन रात काम चल रहे हैं। इसमें आप कैरियर बना सकते हैं और सिर्फ ऑटोमोबाइल में नहीं। यदि हम ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट की बात करते हैं, कंपोनेंट इसमें पार्ट्स की यदि बात करते हैं तो कितने पार्ट्स होंगे आप इमेजिन नहीं कर सकते। एक ट्रैक्टर में, एक बाइक में हजारों पार्ट्स होते हैं, मोर देन 40,000 पार्ट्स आर हियर। ये सब पार्ट्स तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर होते हैं, तो इनकी एंसिलरी कंपनीज होती है। कंपनी कहने का मतलब है कि जितने ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनाते हैं, कुछ तो बाइक बनाते हैं लेकिन बाइक वाले बाइक के हर एक कंपोनेंट को नहीं बनाते हैं। वो बियरिंग कहीं से खरीदते हैं, स्प्रिंग कहीं से खरीदते हैं, स्पार्क प्लग कहीं से खरीदते हैं, ठीक है ना। तो सारी सामान वो कहीं कहीं से खरीद करके और फाइनली कुछ अपने यहाँ बनाते हैं और असेंबल करते हैं, प्रोडक्शन अपने यहाँ करते हैं। तो उसकी भी बहुत सारी कंपनी है जो प्योरली पार्ट्स बनाती हैं, ऑटोमोबाइल पार्ट्स। और ये ऑटोमोबाइल पार्ट्स कौन कौन से हैं ये मैं कई बार बता चुका हूँ। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी ऑटोमोबाइल के प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा। एक आपका जो ये अपना चैनल है मैकेनिकल पंडित, इसी में एक प्लेलिस्ट है ऑटोमोबाइल की। उस ऑटोमोबाइल में आप देखेंगे कम से कम रियल लाइफ में जिस तरह से काम होता है, जिस तरह से वर्किंग है, जिस तरह से कंपोनेंट काम करते हैं, जिस तरह से प्रोसेसेस जो है होती हैं, वो सब जो है उसमें हमने दिखाया है। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि इन वीडियो का स्कोप सिर्फ बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं है, बहुत वाइड स्कोप है। ये तो हम इसलिए बना रहे हैं कि आपके अंदर एक इंटरेस्ट यदि जग सके तो आप इसमें कैरियर बना सकते हैं, ठीक है ना, ऑटोमोबाइल सेक्टर में। तो आप जब इस सेक्टर में आते हैं तो साइकिल से लेकर के मोटरसाइकिल और कार, ट्रक, बस, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, सैटेलाइट, सब कुछ उसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि उन सब में जो पार्ट्स यूज होते हैं कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग तो उनकी हो रही है। और मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है, उन कुछ कंपनीज के नाम भी हमने शो किए हैं। ऐसे हजारों कंपनीज हैं, कुछ इम्पोर्टेंट जो है उनको हमने यहाँ पे शो किया है। आप यदि कैरियर की बात करते हैं तो मैं आपको एक जो है जस्ट जो आज हमने ये वीडियो बनाया 30 जून के डेट में, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि 2 लाख प्लस रिक्रूटर हैं, 2 लाख से ज़्यादा कंपनीज हैं जिनको इम्प्लॉय चाहिए, जिनको लोग चाहिए, जिनको इंजीनियर्स चाहिए काम करने वाले। तो आप जो है 2 लाख कंपनी हैं, 70 लाख फॉलोअर हैं, 40,000 कंसल्टेंट्स हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा मार्केट है ऑटोमोबाइल, और आप इसमें अपना सुंदर भविष्य संवार सकते हैं। अब जो है कुछ कोर्सेस जो है यदि हम बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेस हैं। देखिए ऑटोमोबाइल की यदि हम बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो ब्रांच है उसमें ऑटोमोबाइल का, आईसी इंजन का एक सब्जेक्ट ही है अलग अलग सेमेस्टर्स में। इसके अलावा जब हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल एक सेपरेट इंजीनियरिंग ब्रांच की, तो एक सेपरेट इंजीनियरिंग ब्रांच है जो इसमें कि पूरे 4 साल आप सिर्फ और सिर्फ इन ऑटोमोबाइल्स के बारे में ही पढ़ते हैं। इसमें आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में पूरा का पूरा अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन प्रोसेसेस, ऑटोमोटिव इंजन कंपोनेंट्स कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, थ्योरी ऑफ मशीन, डायनामिक्स ऑफ मशीन, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिकल सिस्टम, मशीनरी, मैकेनिक्स, क्लासिकल डायनामिक्स, डायनामिकल सिस्टम, नॉइज एंड वाइब्रेशन, मेकाट्रॉनिक्स, हीट कंडक्शन, कंबसन, केमिकल रिएक्शंस ऑफ द फ्यूल, इन सारे चीज़ों को
पढ़ने का मौका मिलता है। आपने देखा कि कितना बड़ा मार्केट है। इस मार्केट का आपने जो है मैं शुरू में ही बताया था कि आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं कितना बड़ा मार्केट है। जितना अंदाज लगाएंगे उससे बड़ा मार्केट है, उससे बहुत बड़ा मार्केट है, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा मार्केट है। इसलिए मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा और सजेस्ट करूंगा कि यदि आपको ऑटोमोबाइल में जो है थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है और आपकी ब्रांच मैकेनिकल, एग्रीकल्चर या ऑटोमोबाइल है, तो आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर बनाइए, आज से ही थोड़ा पढ़िए और डेफिनेटली आप बहुत अच्छा जॉब पा सकते हैं। इसमें आपका डिजाइन पोर्शन या प्रोडक्शन प्रोसेस पोर्शन में या आप मार्केटिंग में कई जगह पे जॉब आप ले सकते हैं। करता हूँ कि इन सारे कॉन्सेप्ट को आप समझें। हमारा लेक्चर नंबर 85 से लेकर के 99 तक ये लेक्चर आपने देखे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन साथ में फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनको यदि इंटरेस्ट है तो इनके साथ वीडियो तो आपने देख लिया दोस्तों, सिनेमा देखने में बहुत अच्छा लगता है, स्टंट देखने में अच्छा लगता है, करना मुश्किल होता है ना? इसलिए आप इन सब चीज़ों को तो देखें, लेकिन यदि इसमें करियर ऑप्शन की यदि बात कर रहे हैं तो एट लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपको ये बोलूंगा कि आप रियल टाइम कभी किसी भी मैकेनिक की दुकान में जाएं, चीज़ों को देखें कि कैसे काम होता है। आप इंडस्ट्रियल विजिट में जाएं, आप कंपनीज में जाएं और वहां जा करके खुद काम करें, खुद देखें और प्रैक्टिकल जो है सीखें। आपके कॉलेज में यदि ऑटोमोबाइल लैब है तो वहां पे खुद से पार्ट्स खोलें, पार्ट्स टाइट करें, असेंबल डिसेंबल करें, कौन से पार्ट्स की वर्किंग किस तरह से है, किस मटेरियल की बनी है, क्या इसका एप्लीकेशन है, कैसे काम करता है, इन सब चीज़ों को समझें, जानें, अपने गुरुजनों से पूछें, रिक्वेस्ट करें, चरण स्पर्श करें उनका कि नहीं सर मुझे ये चीज़ सिखा दीजिए, मुझे अपनी कैरियर इसमें बनानी है, तो ऑब्वियसली वह आपको सिखाएंगे और आपका नॉलेज बढ़ाएंगे। आपको यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ, नॉलेज के साथ साथ ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ट्रेनिंग ले लीजिए तो आपका कैरियर इसमें जो है बन जाएगा, कैरियर के साथ साथ कैलिबर भी डेवलप हो जाएगा, तो आप अपना खुद भी एक एंटरप्रेन्योर के जो है तौर पे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दैट इज ए ग्रैंड अपॉर्चुनिटी फॉर हियर फॉर यू पीपल इवन इन फर्स्ट ईयर। ये वीडियो हमने फर्स्ट ईयर को ध्यान में रख करके बनाया क्योंकि बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक टॉपिक था, लेकिन लेकिन ये फर्स्ट ईयर तक लिमिटेड नहीं है। फर्स्ट ईयर में तो हमने एक आपको इंटरेस्ट जगाने का काम किया है। यदि 1% भी इंटरेस्ट जग गया तो 99% कहते हैं ना गए माघ 29 दिन बाकी, जब गंगा स्नान करने जाते हैं ठंड के दिनों में माघ महीना में, तो शुरू दिन जिस दिन नहाते हैं तो उसी दिन बोलते हैं कि गए माघ 29 दिन बाकी, अर्थात अब ये महीना खत्म हो गया, सिर्फ 29 दिन बचा हुआ है। कहने का मतलब कि 1% भी यदि इंटरेस्ट जग गया तो 99% कुछ नहीं होता है, इम्पोर्टेंट 1% ही है, और 99% हो जाएगा। आप इन्हीं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं तो ऑटोमोबाइल एक प्लेलिस्ट है हमारा जो है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं। उस ऑटोमोबाइल में 500 जो है आपको एनिमेटेड वीडियो हमने डाल रखे हैं, ये आपके अपने जो छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे से चैनल है मैकेनिकल पंडित, उसी में ऑटोमोबाइल प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ देखिए तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको और समझने में मदद मिलेगी। और यदि 1% भी इंटरेस्ट जगा है तो 50% हमारा वह प्लेलिस्ट जगा देगा, बाद बाकी जब आप ट्रेनिंग पे जाएंगे तो 100% आप परफेक्ट हो जाएंगे, फिर आपको एक जो है बेटर कैरियर बनने से कोई नहीं रोक सकता। हमने कुल मिलाकर के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट बताए। अब मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप एक यदि ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट है और एक अच्छा इंजीनियर बनते हैं, एक डिजाइन इंजीनियर बनते हैं, तो आने वाले जनरेशन को आप कुछ एक अच्छा डिजाइन दे पाएंगे, इर्गोनॉमिकली, इकोनॉमिकली एंड बाई प्रोफेशनली, क्योंकि एक से एक बाइक के, कार के डिजाइन आ रहे हैं,
आते रहेंगे, लोग आनंद लेते रहेंगे, लेकिन उसके लिए जरूरत है आप जैसे अच्छे इंजीनियर्स की, जो कुछ नया डिजाइन कर सकें, इस दुनिया को कुछ नया दे सकें। आपके साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ आशीर्वाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे इन वीडियोज को अपने दोस्तों के बीच में बांटते रहिए। जितना बांटेंगे उतना ही आपको मिलेगा, इसलिए आप बांटते रहिए सबके साथ, शेयर करते रहिए अपने क्लासमेट के साथ, इन वीडियोज को खुद भी देखते रहिए, दूसरे को भी दिखाते रहिए। अगेन विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।